नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं अनेत टीवी लाइव। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजधानी भोपाल में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नारी सशक्तिकरण संघ के नेतृत्व में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा हाथों के में लिए महिलाओं ने देशभक्ति की धुन पर उत्साहवर्धन से स्वतंत्रता दिवस को मनाया। समाज सेवी पूजा सिंह परमार के प्रयास से कई महिलाएं सशक्त और मजबूत हो रही हैं। भोपाल में देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। बड़े ही उत्साह से भोपाल में भी नारी सशक्तिकरण संघ के नेतृत्व में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस अनोखी तिरंगा यात्रा में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। समाज सेवी पूजा सिंह परमार ने बताया कि आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नारी सशक्तिकरण संघ के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए नारी सशक्तिकरण हमेशा प्रयासरत रहा है और मेरी ओर से कई महिलाओं को रोजगार भी दिया गया है। उनसे महिलाएं अपनी जीविका चला रही हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि महिलाएं कभी भी रैली में नहीं आ पाती है, तो मैं नारी सशक्तिकरण संघ से और से हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि सारी नारियां अपने रोड पर आए और प्रदर्शन करें कि हमारा भारत देश स्वतंत्र है और हम इनकी नागरिक है। और क्या संदेश देना चाहेंगे आप नारी शक्ति? और मेरी जितनी भी महिलाएं हैं, गांव-गांव से सब लोग यहां पर आई है और मैं चाहती हूं कि इसी तरीके से हम हर साल रैली निकालें और सारी महिलाओं का समर्थन है मेरे साथ। महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए आपके प्रयास हैं क्या? हाँ, बहुत सारे प्रयास है। अभी हम लोगों ने फैक्ट्री डाली है और इसी तरीके से बहुत सारी चीजें चल रही है जो महिलाओं के रोजगार के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं और ऐसे लगातार हम लोग करते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे अनंत टीवी लाइव के साथ। नमस्कार।